चार ऐसे काम जिन्हें आप करते हैं तो आप बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप रिच बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है किशन कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको ऐसे चार कामों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए कोई भी काम करने में मेहनत लगती है और बिना मेहनत किए एक रुपये भी नहीं मिलता। आपको इन कामों में भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके चारों के बारे में बताता हूँ। नंबर वन, सोशल मीडिया स्टार या फिर यूट्यूबर। सोशल मीडिया स्टारों के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जिनके इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मिलियनों फॉलोअर होते हैं, जिनके माध्यम से वे स्पॉन्सरशिप से काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और वे लगातार अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहते हैं जिनके वजह से उनके काफी अच्छे फॉलोअर हो जाते हैं और उन्हीं के बदौलत वे काफी अच्छा पैसा जो है कमाते हैं। दोस्तों वहीं यूट्यूबर की बात करें तो यूट्यूबर लोग भी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालकर। वे अच्छे क्रिएटर होते हैं और उनके वजह से उनके काफी अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं जिनके वजह से वे काफी अच्छा पैसा कमाते हैं गूगल एडसेंस के वजह से। तो दोस्तों वही बात करते हैं जैसे हिमेश मदान की, वे भी इन्होंने नौकरी छोड़कर शुरुआत की थी, यूट्यूब को चुना उन्होंने और वे आज काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके मिलियनों फॉलोअर हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, इन्होंने लगातार मेहनत की और वे आज इनके काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। वैसे ही मनोज दे की बात करें तो मनोज दे की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक आपको लगेगी क्योंकि इन्होंने भी जीरो सब्सक्राइबर से जो है शुरुआत किया था और जो है आज इनके मिलियन फॉलोअर हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं और आज ये काफी पॉपुलर हैं। टेक चैनल भी इनको काफी लोग जानते हैं और इनको जो है फॉलो करते हैं। वहीं हिमेश मदान को भी लोग काफी जानते हैं देश भर में और उनको काफी जो है फॉलो करते हैं लोग। तो ये भी काफी अच्छा जो है पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप भी इस पे मेहनत कर सकते हैं और जो है काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या फिर यूट्यूबर बन सकते हैं। दोस्तों इसमें भी काफी आपको मेहनत लगेगी, ये इतना आसान भी नहीं है। लोग शुरुआत में जो है थोड़ा सा मेहनत करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ये बहुत कठिन है जो मुझसे नहीं होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी चीज में आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें सब में मेहनत करने की आपको जो है जरूरत पड़ेगी। नंबर टू, एडिटर। एडिटर होते हैं वे भी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप एडिटिंग सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं या थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो आप इस पे मेहनत करके काफी जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करके जो है आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा जो YouTube पे जो है थंबनेल होते हैं या फिर जो Instagram पे अच्छे अच्छे जो पोस्ट होते हैं उनको कोई ना कोई एडिट ही करता है। जो बड़े नेता मंत्री होते हैं उनका जो है अकाउंट जो है कोई ना कोई मैनेज करता है, कोई ना कोई एडिट करता है। वे खुद तो करते नहीं होंगे एडिटिंग करके। आपने देखा होगा बहुत सारे आपको शुभकामनाएं देते हैं, जैसे दिवाली की शुभकामनाएं, तो जो पोस्टर या फिर जो कई जो थंबनेल होते हैं या फिर जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करते हैं फोटोज, वो सबको कोई ना कोई तो एडिट करता ही होगा। तो अगर आप ऐसा सीख सकते हैं या फिर जानते हैं या फिर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसे करके काफी अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। दोस्तों आप अगर नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप YouTube चैनल पे भी बनाकर आप इसे जो है सिखा सकते हैं और इसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर जो है आप इसका कोर्स भी बना सकते हैं, या फिर आप फाइबर पे अकाउंट बनाकर, फाइबर के बारे में आप जो है नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, फाइबर के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा अभी दूसरे वीडियो में, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो। फाइबर में अकाउंट बना के भी आपको बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हाँ मेरा जो है ये काम कर दो, ये एडिटिंग कर दो, ये वीडियो एडिटिंग कर दो या फिर ये मेरा फोटो एडिटिंग कर दो। आपको जो है मिलेंगे, आप उन्हें करके देंगे और उनके बदले आपको वे पैसे देंगे और इससे आप काफ़ी जो है अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो एडिटर लोग भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं वीडियो एडिटिंग करके, फोटो एडिटिंग करके। नंबर थ्री, डॉक्टर और वकील। दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं और वकील होते हैं ये भी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं और उनसे सिर्फ मिलने के जो है 200 से लेकर 400, 500, 600 रुपए, 1000 रुपए तक भी लोग देते हैं सिर्फ 2 मिनट उनसे जो है बात करने के लिए, सलाह लेने के लिए। और वहीं वकील की बात करें तो जो बड़े बड़े केस आते हैं या जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं कोई भी समस्या होने पर कोर्ट में केस लड़ने के लिए उनको जो है हायर करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और जो है उनका जो है केस लड़ते हैं और इससे भी वे काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं वकील लोग। और जो है वकील डॉक्टर का जो है पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं कोई भी मुद्दा के लिए। तो डॉक्टर और जो है वकील के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसे करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं डॉक्टर बनकर, खुद का जो है हॉस्पिटल खोलकर। और वहीं वकील बनकर भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपको बहुत सारे केस मिलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों में काफ़ी अच्छा पैसा है। अब हम बात करते हैं आखिरी और नंबर चार की, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है सामग्री। कंस्ट्रक्शन जो है आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो है छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट और जो है पाइप वगैरह जो यूज किए जाते हैं,
ये सब का बिजनेस करके भी आप काफी जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप इनका दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों हमारा जो देश है लगातार जो है विकासशील है, बहुत ज्यादा यहाँ घर बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं। इसमें जरूरत होने वाले जो भी चीज़ हैं जैसे गिट्टी बालू सीमेंट और जो भी सारे इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आप उनको रखकर काफ़ी अच्छा जो है पैसा कमा सकते हैं। आप किसी स्पेशल का भी बिजनेस कर सकते हैं। स्पेशल से कहने का मतलब मेरा ये है जैसे आप गिट्टी का स्पेशल कर सकते हैं, बालू का या फिर सीमेंट का या फिर छड़ वगैरह जो होते हैं उनका जो है बिजनेस करके धंधा करके आप जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा देश लगातार जो है विकास की ओर अग्रसर है, विकास कर रहा है, लगातार जो है घर बन रहे हैं, तो इससे आप काफ़ी अच्छा जो है पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको घाटा होने का कोई जो है चांसेस नहीं है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको ज़्यादा इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, दुकानें बनवानी पड़ेंगी, आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। दोस्तों इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया जरूर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।